ब्रज में यमुना के बीचों बीच रहने वाला काली नाग, भयंकर विषधर सर्प जो अनेक लोगों को मार चुका, पापी था, अनेकों गायों को मार चुका था, अनेकों लोगों का विध्वंस कर चुका था ये काली नाग, लेकिन क्या किया? काली नाग कृष्ण के पास नहीं गया, कृष्ण इसके पास गए। कितना इजी है कृष्ण के चरण, कितने इजी है, कितना सरल है। लोगों को, लोग देवी देवताओं की मन्नत रखते हैं तो कितना चल चल के यहां जाते हैं, वहां जाते, पर्वत चढ़ते हैं, वो चढ़ते हैं, लेकिन ये इतने इजी हैं कि वो चलकर हमारे पास आते हैं। इस श्लोक में भी आगे गोपियों ने कहा ना, फणी फणार पीतम, काली नाग को इस श्लोक में याद किया है। तो काली नाग को एग्जाम्पल लेकर सनातन गोस्वामी कहते हैं कि पाप कर्षणम माने ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, कृष्ण आसानी से। एक दिन कृष्ण को पता चला कि मैं ब्रज में रह रहा हूं और मेरे रहते ब्रजवासी यमुना का जल पी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि यमुना में काली रहता है। अब देखो, एक मयान में दो तलवार नहीं रह सकती, मैं भी काला और वो काली है, दोनों काले काले नहीं, या मुझे निकलना पड़ेगा या उसको, मैं तो निकलूंगा नहीं, तो आज मैं काली को यहां से निकाल दूंगा। लेकिन कृष्ण ने सोचा कि जब तक ये दाऊ मेरे साथ है, ये बड़ा भाई बलराम जब तक मेरे साथ है, ये मुझे यमुना में जाने ही नहीं देता है। दाऊ जी जो है ना, ये कृष्ण के बड़े भाई वात्सल्य रस में थे, ज्यादातर कृष्ण का ध्यान रखते, दूर नहीं जाने देते, ज्यादा कृष्ण को पेड़ पर नहीं चढ़ने देते, नदी में नहीं जाने देते। तो क्या हुआ, एक दिन बलराम जी का जन्मदिन था, तो कृष्ण ने प्लान बनाया कि वैसे भी दाऊ का जन्मदिन है, और दाऊ को योग निद्रा में सुला दिया, और बिना दाऊ को लिए ही कृष्ण अपने सखाओं के साथ ब्रज में चले गए। दाऊ उठकर देखे, यार ये तो मुझे देरी हो गई, ये लोग निकल गए गाय बछड़े चराने के लिए, कोई बात नहीं, आज मेरा हैप्पी बर्थडे टू यू है, तो घर पर थोड़ा सा फेस्टिवल मनाएंगे, फंक्शन करेंगे रात को। तो कृष्ण अब तो दाऊ अब तो मतलब खुलो दौर मिलो भगवान कृष्ण ने, अब तो कोई 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 रोकने वाला नहीं। कृष्ण सखाओ के साथ खेलने लगे और खेलते खेलते वो गेंद गिरी ब्रह्म वैवर्त के अनुसार, और कृष्ण गए यमुना के तट पर। काली रद, आज भी जब वृंदावन परिक्रमा करते हैं तो ये रद आता है। कृष्ण कदम के वृक्ष पर चढ़े और सीधे यमुना में कूदे, और जैसे ही यमुना में कूदे, सूरदास जी ने और जूनागढ़ ने भी बहुत सुंदर इसका वर्णन किया है कि उस समय काली नाग सो रहा था। जब कृष्ण उस यमुना के बिल्कुल गहराई में काली रद में नीचे पहुंच गए, तो काली नाग की पत्नी कृष्ण के ऊपर मोहित हो गई। बस काली नाग का भाग्य खुल गया। किसी का पति भजन न करे ना कोई बात नहीं, पत्नी यदि भजन करती है तो उसके चलते पति का उद्धार हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे कालिये ऑनलाइन में भी बैठे हैं, वो कालिया 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 आते नहीं कथा सुनने, पत्नियां बेचारी परेशान होती है कि हमारे पति कथा नहीं से। कोई बात नहीं, काली ने कुछ नहीं किया था, काली तो मात्र दूसरों को परेशान करने के लिए ही पैदा हुआ था, लेकिन काली की पत्नियां जो है, बहुत सुंदर काली नाग की पत्नी और कृष्ण का वार्तालाप हुआ। काली नाग की पत्नी कहती है, कहे ना कहे बालक तू मार्ग भूल्यो, के तारा वेरिये वड़ावियो, निश्चय तारो काल ज खूट्यो, अहियात सिद्ध ने आवियो, हे जल कमल छाड़ी जाने बाड़ा, स्वामी अमारो जागशे जागशे ने मारशे, एने बाळ हत्या लागशे, हे जळ कमळ छाड़ी जाने
तब कृष्ण कहते नथी नागण हूँ मार्ग भूल्यो नथी मारा वेरीये वड़ावियो मथुरा नगरी मा जुगटूए रमता नागनु शीश हूँ हारियो हे जल कमल छाड़ी जाने बाड़ा। वो जो काली नाग की पत्नियां थी ना वो कृष्ण को कहने लगी कि भाई तू खेलते खेलते यहां पर आ गया है, तू अपना मार्ग भूल गया है। नरसिंह मेहता की ये रचना है, तू मार्ग भूल गया, तू खेलते खेलते यहां पर आ गया। तब कृष्ण कहते हैं कि कोई खेलते खेलते नहीं आया और न तो मैं मार्ग भूला हूं, मैं सोच समझ कर जानबूझकर यहां पर आया हूं। और मैं यहां इसलिए आया हूं क्योंकि मैं मथुरा में गया था। कृष्ण झूठ बोल रहे, फेंक रहे हैं, इसको भी फेंकना बहुत अच्छा आता है। बोले मथुरा में गया था और वहां पर मेरी किसी से चैलेंज हो गई और चैलेंज में मैं हार गया। अच्छा, काली नाग की पत्नी कहती तुम हार गए, तो फिर क्या हार गए? बोले हमारी चैलेंज लगी थी कि इसमें से जो व्यक्ति हार जाएगा वो काली नाग का मस्तक काटकर मथुरा में लेकर आएगा। तो अब मैं चैलेंज हार गया और आया हूं तेरे पति का मस्तक काटने के लिए। काली नाग की पत्नी कहती है तू हमारे पति को जानता है? ये हमारे पति जो हैं बहुत बुरे हैं, तुम इतने सुंदर कोमल से बालक, बहुत सुंदर कहती हैं। रंगे रूडो रूपे पूरो दंसी तो कोडी लो कोडामणो तारी माता ये केटला जनमिया ए मातु अलखामणो हे जल कमल छाड़ी जाने मारी माता ये बेव जनम्या एमा हूँ नटवर नानुडो जगाड तारा नागने मारू नाम कृष्ण कानुडो हे जड़ कमल छाड़ी जाने वाला लाख सवानो मारो हार आपू आपू रे तुझने दोरियो एटलू मारा नागती छानो आपू करीने चोरियो हे जल कमल चढ़ी जाने वाला। काली नाग की पत्नी कहने लगी कि तू दिखने में इतना सुंदर है, इतना कोमल बालक है, तू है कौन? क्या तू तुम्हारी माता का एक ही बेटा, एक ही लड़का है? तो ये कहते हैं कि नहीं नहीं मेरी हम दो भाई है और इसमें मैं छोटा भाई हूं और मेरा नाम कृष्ण है। ओ कृष्ण हो आप, देखो कृष्ण, देखो लाला, हम सच कहते हैं, तुम ये यमुना छोड़कर चली जाओ। यदि यदि तुमको ये हमारा हार चाहिए, लाख सवानो मारो हार आपू, बहुत सुंदर नरसिंह मेहता ने लिखा, ये हार ले लो, ये हमारी चूड़िया ले लो, गहना ले लो, जितना हमसे चाहते हो ये सब ले लो, लेकिन तुम यहां से चले जाओ। क्यों? क्योंकि हमारा ये जो पति है ना ये बहुत बेकार है, ये किसी को जीवित नहीं छोड़ता और ये तुम्हें भी मार डालेगा, इसलिए तुम यहां से चले जाओ। कृष्ण कहते हैं मैं इसे जगाने ही तो आया हूं। कहते हैं चरण चापी मूछ मरड़ी नागणे नाग जगाड़ियो उठो ने बलवंत कोई बारणे बालक आवियो हे जल कमल
चढ़ी जाने माना। फिर तो युद्ध प्रारंभ हुआ। बेउबलिया बाथे बड़ गया, श्री कृष्ण काली नाग नाथियो, सहस्त्र फेणा फूक वे जेम, गगन गाजे हाथियो, हे जल कमल चढ़ी जाने वाला। जैसे दिग्गज डोलने लगे है? जैसे धरती हिलने लगे, उस प्रकार भगवान श्री कृष्ण और काली नाग का युद्ध हुआ, धमासान युद्ध। भगवान श्री कृष्ण ने सोए हुए नाग को उठाया, सोए हुए को उठाना नहीं चाहिए लेकिन इसने उठाया और आंखें फाड़ कर कृष्ण के सामने। वो काली नाग देखो, एक तो नाग था, स्वाभाविक ईर्ष्या भरी पड़ी थी, ऊपर से सोया हुआ था और सोने के टाइम पे कोई जगाते हैं तो सटक ही जाती है, और कृष्ण ने उसको उठा दिया और इतना क्रोध में आकर दौड़कर कृष्ण के ऊपर तराप मारने गया। कृष्ण थोड़े से बाजू में हो गया, सीधा आगे चला गया, फिर से रनिंग लेकर जोर से आया, कृष्ण को खा जाऊंगा, फिर से कृष्ण बाजू में। इस प्रकार से कृष्ण और काली के बीच में धमासान युद्ध हुआ और युद्ध करते हुए कृष्ण काली नाग के मस्तक पर चढ़ गए। अब कहां जाएगा, अब किसको पकड़ेगा। काली नाग माथे को हिलाता है लेकिन कृष्ण अब माथे पर नृत्य करने लगे। अब कृष्ण जब काली नाग के मस्तक पर चढ़े तो सोचा कि यार जगह तो बहुत अच्छी है, दुनिया के लोग रेन डांस करते हैं, कुछ लोग रॉक डांस करते हैं, आज चलो ना काली डांस हो जाए है? तो कृष्ण तो मन में सोचे कि काली नाग पर नृत्य करना है, तो सारे देवताओं को पता चल गया, इंद्र चंद्र गंधर्व सब लोग वहां पर आए और सुंदर वाजिंत्र बजाने लगे और भगवान श्री कृष्ण काली नाग के ऊपर ऐसा सहस्त्र फैन थे काली के। काली नाग अपनी एक फैन को तेजी से ऊपर करता था कृष्ण को मारने के लिए, कृष्ण उसके ऊपर अपना चरण देते थे, तब तक दूसरी फैन, कृष्ण उसके ऊपर चरण, तीसरी चौथी पांचवी छठी, जैसे जैसे फैन ऊपर करता था कृष्ण उनके ऊपर पदाघात करते थे और कृष्ण के पदाघात से काली का विष बाहर आ जाता था, सारा विष बाहर। इस प्रकार से कृष्ण ने काली का सारा विष निकाल दिया, काली को अपने कंट्रोल में कर लिया। अभी भी काली कुछ नहीं कर रहा है, काली नाग की पत्नी आई फिर से हाथ जोड़कर, प्रभु क्षमा कर दीजिए, हम विधवा हो जाएगी, ये हमारा पति है। कृष्ण ने कहा कि ठीक है चलो, लेकिन किसी को मारना पीटना मत, तुम लोगों के कारण सब परेशान है। काली नाग की पत्नी ने बहुत सुंदर स्तुति में कहा कि प्रभु आपकी कृपा बहुत अद्भुत है, हमने सुना था हे कृष्ण करुणा सिंधु, लेकिन आज देख लिया। बताओ हमारे पति ने जब से हम शादी करके, ये नागों की भी शादी होती होगी है, केवल हमारी नहीं होती है, बोले हम जब से शादी करके आई है तब से इस बंदे ने कोई अच्छा काम नहीं किया, हमारे देखते तो कोई अच्छा काम, कोई पुण्य दान कुछ नहीं किया, जो भी आए सबको मारता गया खाता गया, और हमें नहीं लगता है कि इसने पूर्व जन्म में भी कुछ अच्छा किया होगा, क्योंकि पूर्व जन्म में अच्छा किया होता तो नाग थोड़ी ना बनता, आदमी बनता, ये नाग बना है, मतलब पहले भी इसने कुछ बुरा किया है, शादी के बाद तो हमने देख ही लिया है कि इसने कभी कुछ अच्छा नहीं किया, फिर भी आप चलकर यहां आए, फिर भी ये तो आपके साथ युद्ध ही कर रहा था, लेकिन आपके चरण, आप इनका मस्तक आपके चरण के नीचे आ गया, ये विष से दोष से मुक्त हो गया और आपके चरण चिन्ह को पा गया। इतना सहज, इतना सरल, बिना किसी मेहनत के हैं? पापों से विष से कौन मुक्त करता है, कृष्ण केवल आप ही मुक्त कर सकते हैं।